नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया मेष राशि वालों के लिए कौन सी शत्रु राशि है, कौन सी मित्र राशि है और कौन सी ऐसी राशि जिनके साथ वो जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, सारी चीजें जानने की वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुभ मरीज है। तो शुरू करते हैं, देखिए आपके लिए कौन सी शत्रु राशि है, कौन सी मित्र राशि है और कौन सी ऐसी राशि है जिनके साथ आप लव लाइफ शुरू कर सकते हैं। उससे पहले हम जानेंगे मेष राशि वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। देखिए मेष राशि नंबर वन की राशि होती है, इसका जो सिंबल देखा होगा मेढा के जैसा, ये किसी से भी भिड़ जाता है, किसी से भी डरता नहीं, शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, निडर होता है, साहसी होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, धार्मिक व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी होता है। अगर स्वाभिमान पर बात आ जाए तो पड़सी हुई थाली को भी ये लात मार देता है और प्यार से दोगे ना भैया, प्यार से बातें करोगे ना इनसे, तो ये खुली हुई किताब है, अपने सारे राज आपके सामने खोल के रख देंगे। ये व्यक्ति हमेशा दूसरों की मदद करते हुए पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े से एग्रेसिव, थोड़े से गुस्सेल होते हैं क्योंकि लग्न इनकी मेष है, तो मेष राशि वाली व्यक्ति हमेशा थोड़ा सा एग्रेशन, थोड़ा सा गुस्सा, पेशेंट लेवल इनका थोड़ा सा कम होता है, जल्दबाजी में कार्य करते हैं, सब्र नहीं होता, ये चीजें देखी जाती है। अब इनके लिए कौन कौन सी राशियां बेस्ट है, कौन सी मित्र है, कौन सी शत्रु है, वो चीज़ जानते हैं। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो वृषभ राशि इनके लिए मेष और वृषभ का जो कम्युनिकेशन है वो आप देखेंगे थोड़ा सा, ये शुरू शुरू में तो अच्छे से मिलेंगे घुलेंगे, पर 4-5 महीने बाद दोनों के बीच में मतभेद होने लगेंगे, वैचारिक मतभेद होने लगेंगे, आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, ये कहेंगे इधर जाओ, कहेंगे उधर जाओ, सूर्य इधर से निकल रहा है, सूर्य इधर से निकल रहा है, ये बातें होंगी। मिथुन राशि वाले जो होते हैं, मिथुन राशि वाले इनको जो मेष राशि वाले को है ना सेल्फिश समझते हैं कि ये व्यक्ति मेरे से जुड़ा है तो कुछ ना कुछ काम के लिए जुड़ा है, ये मेरे से कुछ लेने आया है, ऐसा समझते हैं। कर्क राशि वाले की अगर हम बात करें, मेष राशि और कर्क राशि की अगर हम बात करें तो देखिए कर्क राशि का जो चंद्रमा होता है और मंगल, ये चंद्र मंगल दोनों ही मित्र है, बहुत अच्छी इनकी रहती है, ये लोग बहुत अच्छे मित्र साबित होते हैं और दोनों की बहुत ज्यादा आपस में मिलती जुलती है। वहीं पर सूर्य की बात करें सिंह राशि की, देखिए सिंह राशि वाले व्यक्ति का जो स्वामी होता है वो सूर्य होता है, मंगल सूर्य, मंगल सेनापति है, कोई भी युद्ध बिना सेनापति के नहीं हो सकता, राजा से ज्यादा कार्य सेनापति को होते हैं, तो मंगल राजा और सेनापति की दोनों में आपस में क्यों नहीं पटेगी, इसलिए सिंह राशि की और मेष राशि की बहुत ज्यादा आपस में बनती है, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। कन्या राशि वालों की बात करें तो एवरेज रहता है, सामान्य रूप से रहता है, ना ज्यादा बुरा अपने काम से काम मतलब रहता है। तुला राशि की बात करें तो इनका देखिए लग्न, जहां से आप देखेंगे लग्न में 1 बनता है और उसके अपोजिट 7 बनता है, यानी कि 36 का आंकड़ा बन रहा है तुला राशि वाले व्यक्ति से। तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा लग्जरी के पीछे भागते हैं, कामुकता के पीछे भागते हैं, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, ये चीजों के पीछे भागते हैं, और ये व्यक्ति मेष राशि वाले भी भागते हैं, ये चीजें करते हैं, लेकिन तुला राशि वाले व्यक्ति बैलेंस बनाकर चीजें बोलते हैं, घुमा फिरा के चीजें बोलते हैं, ये अगर किसी व्यक्ति को बुरा लग जाएगा तो ये चीजों को दबा देंगे, पर मेष राशि वाले व्यक्ति बुरा लग जाए तो बुरा लग जाए सच का सच बोलूंगा, बिल्कुल स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, सामने बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, काड़े को काड़ा करके बोल देते हैं, चीजों को थोड़ा सा कंट्रोल भी करना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें वृश्चिक राशि से, वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है मंगल और मेष राशि का स्वामी मंगल, दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती है, तो वृश्चिक राशि वाले से भी इनकी बहुत अच्छी पड़ती है। धनु राशि वालों की बात करें, धनु राशि वाले जब आप देखते होंगे ना कि कोई हमारा फेवरेट टीचर बन गया, किसी समय ज्ञान मिल रहा है, चाहे वो बॉस हो या कोई सहकर्मी हो या हमारे ग्रैंडफादर हो या कोई भी दादा दादी हो, तो उनकी आप देखिएगा धनु राशि होगी, क्योंकि हमेशा धनु राशि वाले व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होगा और इनको बहुत ज्यादा फेवरेट टीचर भी इनके धनु राशि वाले व्यक्ति होंगे। कभी पूछिएगा आपके टीचर से कि आपकी धनु राशि है, आप धनु राशि वाले, तो आप जब भी मेरे फेवरेट टीचर हो, इनको जब भी कोई ऐसा व्यक्ति मिले धनु राशि वाले व्यक्ति, तो टीचर इनको उनसे हमेशा कुछ ना कुछ इन्हें सीखना चाहिए। बात करें मकर राशि वालों की, तो मकर राशि वालों से भी इनका 36 का आंकड़ा रहता है, मकर राशि वालों से भैया इनको ज्यादा साथ में ना रखें तो ही ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो आपस में भिड़ जाएंगे ये लोग। कुंभ राशि वालों के लिए साथ भी इनका थोड़ा सा सामान्य रहता है, एवरेज काम से काम मतलब रहता है। मीन राशि वालों से बहुत अच्छा रहता है मित्र राशि वाले, मीन राशि वाले इनके बहुत ज्यादा मित्र रहते हैं और बहुत अच्छी इनकी आपस में बनती है। अब अगर हम बात करें शत्रु राशि की, देखिए शत्रु राशि आपकी रहती है मकर राशि, तुला राशि और वृषभ राशि, ये सबसे ज्यादा आपकी शत्रु राशि है, इनसे दूरी रहे तो ज्यादा बेहतर, घर में भी है तो उनसे भैया हाथ जोड़ के ही रहिएगा या उनसे दूरी बना के रखिएगा। अब बात करें सामान्य की, सामान्य राशि आपके लिए कौन से जिनसे अच्छी मित्रता रहेगी, मित्र समान रूप से रहेंगे, ना ज्यादा बुरे ना ज्यादा अच्छे, तो वो आपकी कन्या राशि और कुंभ राशि, उनसे आप सामान्य रहेगी। अब मित्र राशि आपकी जो अच्छे बेस्ट फ्रेंड है वो वाली राशि आपकी जो रहेगी वो रहेगी आपकी कर्क राशि, मीन राशि और धनु राशि, इनसे आपकी मित्रता रहेगी, बहुत अच्छी मित्रता रहेगी, आपके बेस्ट फ्रेंड यही हो गए सबसे ज्यादा आपके। अब बात करें भैया आपके लव के बारे में, जिनसे आपकी मैरिड हो सकती है वो राशि देखना चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि भैया जीवन तो उन्हीं के साथ बिताना है ना, जीवन उनके साथ सही से निभ पाएगा कि नहीं निभा पाएंगे वो चीजें देखें। तो देखिए आपकी जो सबसे अच्छी जिनके साथ जीवन बिता सकते हैं, लाइफ पार्टनर, लव पार्टनर बना सकते हैं, उनकी राशि होनी चाहिए मीन राशि, धनु राशि, वृश्चिक राशि और कर्क राशि, ये आपके लव के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट राशि है। अगर आपका कोई लव पार्टनर है और बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा बातें मिल रही है, वाइब्स मिल रही है दोनों के
तालमेल मिल रहे हैं तो देख लीजिएगा ये इन्हीं राशि के होंगे। तो मेष राशि के लिए कौन सी शत्रु राशि थे, कौन सी सामान्य राशि, कौन सी मित्र राशि, कौन सी लव राशि है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताइएगा, और कौन कौन सी बातें आपने रिलेट करी ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर 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 समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।